कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह लोहे बाजार की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार में आज किस तरीके से कामकाज होगा इसकी जानकारी आपको देंगे। जैसे कि आप लोगों को आज मालूम है कि आज 14 अगस्त के दिन बाजारों में किस तरीके से आने वाले हफ्ते में कामकाज होगा, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। कल 15 अगस्त की वजह से हॉलीडे रहेगा तो कल बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं अवेलेबल रहेगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज रहा। लोहे बाजार में जैसे कि बाजारों में देखा गया, बीते शनिवार के दिन बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट बाजारों में देखी गई। अगर देखा जाए तो कई दिनों से बाजार एक जो सीमित दायरे में नियर अबाउट 46,000 रुपए के आसपास, 45,800 से 46,000 रुपए के आसपास बाजार चल रहा था, वहां से एक जबरदस्त गिरावट आई और बाजार 45,200 रुपए तक नीचे में जाके बाजार बंद हुआ। तो इसमें 600 रुपए की गिरावट दर्ज करेगी। इसी तरीके पुराने लोहे का भाव भी आप देखेंगे, पुराने लोहे के भाव में भी जबरदस्त गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। पुराने लोहे का भाव भी आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में 600 रुपए गिरावट के साथ 34,000 लमसम 700 रुपए के आसपास बाजार बंद हुआ। अगर MSCI टुवर्ड्स कैप कन्वर्जन रेट की बात करें तो 10,500 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। कास्ट आयरन में मंडी गोइंगा टोका के भाव में 40,600 रुपए, इसमें 200 रुपए की नरमी देखी गई। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 41,600 रुपए हो गया। HRC CRC कॉइल में लुधियाना HRC कॉइल का भाव 56,500 रुपए, CRC कॉइल का भाव 61,300 रुपए रहा। अगर विदेशी बाजारों की आज की बात करी जाए तो HRC CRC रिवर के भाव में आज चाइना के बाजारों में बढ़त के साथ ही कारोबार हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अगर निचले स्तर से जो 45,200 रुपए बाजार एक पैनिक की स्थिति में आया था, तो यहां से एक बाउंस बैक आने की संभावना आपको दिखाई दे रही है और बाजार 45,700 से 800 रुपए तक फिर दोबारा बाजारों में आपको दिखाई देके चल सकता है। इसी के तहत गाजियाबाद HRC कॉइल का भाव 56,000 रुपए, CRC कॉइल का भाव 61,500 रुपए, कोलकाता HRC सीट का भाव 54,400 रुपए, CRC सीट का भाव 60,800 रुपए रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं रायपुर HB वायर की क्या स्थिति है। रायपुर HB वायर 47,800 रुपए, GI वायर का भाव 52,300 रुपए, MS पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का भाव 49,800 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 47,000 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में आप रायपुर HB वायर हो चाहे गोविंदगढ़ पाइप, सब भी बाजारों में 200 से 300 रुपए की गिरावट है, लेकिन जिस हिसाब से इंगट पे गिरावट आई है उसका असर और भी बाजारों में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देके चल सकता है। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में क्या स्थिति है TMT की। मंडी गोविंदगढ़ TMT का भाव 50,000 रुपए, दुर्गापुर का भाव 44,300 रुपए, इंदौर का भाव 48,500 रुपए, रायपुर का भाव 44,000 रुपए, जयपुर का भाव 48,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 47,200 रुपए, भावनगर का भाव 49,400 रुपए, गाजियाबाद का भाव 49,500 रुपए, जलना का भाव 47,500 रुपए, पटना का भाव 46,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इसी तरीके पुराने लोहे की अगर सब MSCI के सपोर्ट रेस्टेंस लेवल जान लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का MSCI का सपोर्ट का लेवल 44,800 रुपए का, रेस्टेंस का लेवल 45,800 रुपए का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 34,300 रुपए का, रेस्टेंस का लेवल 35,300 रुपए का बाजारों में देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक में आप देख के चल सकते हैं कि जो भी ओवरऑल आउटलुक में जो मार्केट जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ट्रेंड निचले स्तर से आपको रिकवरी दिखाएगी, बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, बाजारों में एक हल्की सी मुनाफा वसूली बाजारों में देखी गई है। तो मार्केट में आने वाले समय में एंगल पाइप गार्टर चैनल में फिर से आपको रिकवरी आती हुई बाजारों में दिखाई देगी, उसके हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AP लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, आप उसको भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24। नमस्कार।